नमस्कार देवी और सज्जनों, हमारे अगले मिशन में जिसका नाम है एडन कंपाउंड, नहीं सॉरी एडन सीक्रेट। अब इस सीक्रेट में क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है यहाँ पे, वो तो जाने के बाद ही। इतनी खटर गाड़ी चलाने वाला हूँ मैं। ओए होए होए होए, क्या बात है, ये वही ना मर्द वाली कुछ चीज़। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ और डिस्टेंस 5000 मीटर, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया गुरु? नहीं, 5 किलोमीटर जाना है यार, काफ़ी लंबा आपको देखना पड़ेगा हमारा ड्राइविंग। चलो ठीक है, चलते हैं, इंतज़ार किस बात का। पंगा ये है भैया कि प्रॉस्पेरिटी को अपने जो घर है इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। इसको मैंने लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया है, लेकिन लेवल 3 अपग्रेड करने के लिए मुझे 3 स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है जो हमें मिशन कम्प्लीट करने के बाद ही मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो शॉर्टकट लेना बड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन क्या करूं, जल्दी जल्दी पहुंचना है। चलिए फिर चलते हैं, मुझे लगता है किसी नए महारथी से मुलाकात होने वाली है, अगर मैं जिंदा बचा तो मुलाकात होने वाली है। देखो डिस्टेंस जल्दी कंप्लीट होता है ना, अगर शॉर्टकट लेते हैं तो 4700 बहुत जल्दी हो गया, 1 किलोमीटर कंप्लीट। बड़े पेड़ से टकरा जाऊँ वरना पंगा पैच पे होना चाहिए। क्या हो गया फटपटिया को? अच्छा जगह कम है जाने के लिए। लास्ट मिशन पे आप एक कमेंट बड़ा ही मोहब्बत भरे आए हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब हमारा ये जैसा आपने कहा है कमेंट में, बिल्कुल सही कहा है कि हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, मैं करने वाला हूँ। सो जितनी जल्दी हो सके इसे हम कंप्लीट करेंगे इस गेम को, क्योंकि ये है बहुत इंटरेस्टिंग। कोई व्हीकल है क्या, गाड़ी वाड़ी क्या है? अच्छा नहीं, बकवास, जयवीरू वाली पबजी में जो नहीं होता जिसको टायर फोड़ के आप चलाते हो, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, सब पता है। टायर वगैरह फोड़ फाड़ के आप चलाते हो, मुझे पता है। तो वही वाली गाड़ी खड़ी है, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा साइड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पंगा हो सकता है। मिशन तक पहुंचने से पहले मैं रास्ते में किसी से लड़ना नहीं चाहता यार, क्योंकि हेल्थ भी कब खत्म होगी, फालतू में गोलियां भी हम खर्च करेंगे। आपको पता ही है हम कितनी मुश्किल होती है गोली वगैरह क्राफ्ट करना, बंदूक क्राफ्ट करना इस गेम में। लेकिन एक बात है यार, जैसा मैंने पहले बोला था, बाकी से कंपेयर करो तो इस गेम की ग्राफिक्स लाजवाब है, कलरफुल है, बहुत बहुत प्यारी है। आप स्काई देख लो, हर चीज़ ऑसम। 3900 मीटर, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाए, नींद से जागे हम कभी हम सो जाए। मुझे लगता है मैं दूसरों के गढ़ में पहुंच के गलत जा रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ऑटो ड्राइव नो सिग्नल, ओके तेरी की। उस गाड़ी ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए, वरना तो बाकी सब कुछ ठीक है। अरे हमारा कटिया, थोड़ा सीधा रास्ता अपनाते हैं। एक मिनट, व्हाट द हेल, ऑटो ड्राइव ऑन, ओहो क्या बात है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप चल रही है यार, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन कैसे चल रही है, जैसे भी चल रही हो अच्छी बात है। चलो इसको आगे चल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पीड कुछ कम है। एक मिनट, मैं ऑटो ड्राइव ऑफ करके देखता हूँ। हाँ स्पीड कम है, नहीं यार खुद चलाने में ज़्यादा फायदा है। तो भैया मैं ये कह रहा था कि हमें चलना है ईडन कंपाउंड पे, नाम तो वैसे काफ़ी अच्छा है। और इस बार गन भी मैंने चेंज कर दी है, मैं आपको गन दिखाता हूँ, थोड़ी सी मोहब्बत वाली गन हमारे पास का है। मार रहा हूँ, मैं उतर जाऊँगा तो पड़ जाएगी तुम्हारी।
रीच द आइलैंड। एक मिनट, कहीं कोई वे पॉइंट सेट हुआ पड़ा इसकी वजह से मैं दिक्कत हो रही है मुझे यहाँ वहाँ। एक मिनट, ये रहा, इसको हटाते हैं पहले। अब ठीक है, अब मुझे 1050 मीटर जाना है, लेकिन कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या अंकल? अजीब मिशन है, मिशन के बाद मिशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे फ्री हैं, ज़्यादा कुछ काम है नहीं तो चलते हैं। आई होप कि यहाँ पे जाने का रास्ता इस पानी के रास्ते होते हुए जाए तो हमें दिक्कत ना हो पहुँचने में। बगल में कोई आउटपोस्ट है एनिमीज का। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला सीन लग रहा था देख के। चलो अच्छी बात है, ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा पैरों से, काफ़ी रास्ता हमारा कवर हो जाएगा। कौन कहेगा कि गेम ही ग्राफिक्स है, गेम का सीन है। किसे टकराया मैं? शिट। आपने वो देखिए धमाल, आगे देख वाला, वही सीन हुआ मेरे साथ। मैं देखता रहूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे, मैं देखूंगा तुझे, यही हुआ। चलो कोई बात नहीं, 300 मीटर और है। रीच द आइलैंड। रात होने को है और रातों में लो आवाज शुरू हो गई है टुर टुर वाली। एक चीज अच्छी है कि अभी तो कोई भूतो होतो वाला मिशन इसमें नहीं है, तो ठीक है, शांति है कि हाँ इंसानों से पाला पड़ने वाला है, मिशन भी नॉर्मल इंसानों वाले हैं। वरना भैया जैसे आपको याद होगा डाइंग लाइट, रात होते ही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और डांग फटी, समझे ना? तो ये क्या था यार, कुछ है पानी में, कुछ है पानी में, निकलो यहाँ से वरना। पानी में कुछ था, हाँ ये देखो। Investigate. सबसे नजदीक है ये पहले। Years ago, I heard the voice of God. He told me about a difficult path ahead. I followed it all the way to an ending. And a beginning. इसको यार लगाने से पहले एक काम करना होगा, बीच में ये पेड़ वेड़ है ना, ये काफी अड़चन डाल रहे हैं, इनको पहले हटाते हैं रास्ते से। अब ठीक है, अब थोड़ा रास्ता मतलब क्लियर है, अब देख साफ देख सकते हैं उसको हम वहां पे।
एक दूसरा फिर से फाइंड द प्रॉपर पोजीशन. ये देखिए यहाँ पे है सारे. इस तरफ तो खड़ा होना नहीं है क्योंकि रास्ता नहीं है, मुझे आगे जाना पड़ेगा. यहाँ पे But we endure. अब ठीक है, बीच में थोड़ा ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से देखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम अब मिला नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हो जाना चाहिए. अभी आखिरी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिव इन द न्यू. ये कहां दिखा रहा है? गॉड हैज गिवन अस क्रेजी ना थोड़ा सा. कीप एन ओपन माइंड. हमने सोच के ये आया था कि कुछ हमला वमला होगा, यहाँ मारा मारी होगा, यहाँ तो मिल मिलाप चल रहा है. पीस टुगेदर द पास्ट. यू विल रिवील. अब इसे मिलाने के लिए the winds of change have come. We were left standing. Oh, ये रास्ता. नहीं यार ये तो और गड़बड़ हो जाएगा. एक मिनट थोड़ा समझ के करना पड़ेगा. तीन यहाँ पे ऑलरेडी है ना, कि जो राइट साइड में जो एक छोटा सा दिख रहा है उसको घुमा के हमें राइट साइड, जो लेफ्ट में दिख रहा है उसे घुमा के हमें राइट साइड में लाना है. यानी कि ये चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे. अब ठीक है अब वो तीन मैच हट जाएंगे. वही गड़बड़ हो रही थी पीछे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहे थे मुझे. अब ये अलाइन हो जाना चाहिए. Old ways led us to ruin. The only way forward is to live without sin. Do you understand? God has cleansed the world of sin, and yet it remains. Told me of the collapse. I gathered my family to prepare for it. Wow. But hell had followed the white horse. What? The one that could not walk away. अजीब सा मिशन है ये तो. I thought I had fulfilled my obligation to God, but he had one more thing to say to me. हेलो माय डियर किंग्समैन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना और ऑल सेलेक्ट करना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए.
वाओ फाइनली ओ तेरी यार रात में। चलो तो ये मिशन था आज का, क्या बात है, कंप्लीटेड, बढ़िया। चलिए भाई धन्यवाद यार वीडियो वॉच करने के लिए, आज के लिए इतना रखते हैं और अगला मिशन बहुत जल्दी यानी कि 12 घंटों के अंदर ही आएगा। अगर ये वीडियो सुबह आ रही है तो शाम को मिलते हैं, और शाम को आ रही है तो सुबह मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, फिलहाल मैं चलता हूँ। अपने प्रॉस्पेरिटी में। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना और बस ऐश करो, गेम प्ले अगर वॉच करते रहो, मजे करो, और हो सके तो प्लीज शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।